यूं तो ये प्राचीन सभ्यताओं की वही पुरानी कहानी है। एक ओर जहां हड़प्पा संस्कृति की वो पक्की ईंटें आज भी अस्तित्व की कह रही जुबानी है, तो दूजी ओर इन्हें बनाने वालों की दशा सदियों से वीरानी है। जहां विकास की कड़ी में ईंट दर ईंट खड़ी कर रहे हैं इमारतें, बिल्डिंग के तल्ले आकाश चूमने को है, वहीं इनकी मकान तो सर तक भी नहीं पहुंची है अब तक, बस इनके माथे से टकरा कर रह जाती है। दम तोड़ते छत कहीं से असक्षम नहीं इनकी विकास की कहानी बयान करने में। ऐसा ही जाना पहचाना है वो शहर जहां किसना ने अपनी जिंदगी के 20-25 साल बिताए हैं। चारों ओर ईंट ही ईंट और बीच में झुलसा देने वाली सूरज की तेज किरणों के साथ साल के 8 महीने गुजर जाते हैं। ये शहर उन्हें बाहर निकलने का कोई दूसरा मौका नहीं देता, इसी ने इन्हें पालने का भी जिम्मा ले रखा है और मारने का भी। कितना साल से काम कर रहे हैं आप इसमें? अरे बहुत साल। फिर भी कुछ अंदाजा? करीब 28-29। भोर से ही काम पर लगे जलालुद्दीन ने अभी तक 900 ईंटें तैयार कर ली हैं। 28 वर्षों से इन हाथों ने कितने ही ईंट बनाए, पर इससे होने वाले मुनाफे के सही हकदार नहीं रहे। इतने सालों के अनुभव ने इन्हें इसी तरह गुजारा करना सिखा दिया है। वो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, पर उनकी मजबूरियां उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। बाल बच्चे तो पढ़ना चाहवे करते हैं, तो पेटो तो चाहिए। पेट में कुछ है नहीं तो पढ़ेगा कहीं। मेरा चाचू, मेरे चाची, दादी, दादाजी, फिर मेरा माँ, पिताजी, भैया, भाभी, इन लोग था। ये प्रोफेशन उनका लेगेसी है, वो ही लेते हैं, बेटा किए हैं, बेटा करेंगे भी। पर कभी कभी क्या होता है, जो कि आज के सिनेरियो में जो गवर्नमेंट इतने स्कीम्स देते हैं, जैसे कुछ कुछ स्कीम में साइकिल है, एजुकेशन का, वो बच्चों का वो छात्रवृत्ति होता है, वो सब है, उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड भी बढ़ रहे हैं। अब स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे वही चीज़ वही प्रोफेशन लेंगे। दे कम आउट फ्रॉम दैट फ्रेमवर्क, दे कैन गो आउट एज वोकेशनल ट्रेनिंग है जो कि गवर्नमेंट सरकार ये सब कर रही है। तो ये एज अ होलिस्टिक सारे वर्कर्स के लिए, बट भीड़ भट्टा जो हमेशा सिक्योरिटी हो जाते थे उसको भी हम लोग इन्वॉल्व करें, तो उनको अवेयरनेस नहीं होता, और इसी के लिए हम लोग कैंप्स कर रहे हैं। लाखों लोग झारखंड से पंजाब और उत्तर प्रदेश के हरियाणा के ईंट भट्टों में काम करने जाते हैं। क्यों यहाँ? क्योंकि वहाँ पे मजदूरी अधिक मिलती है, यहाँ पे साधन नहीं है उनके पास रोजगार का, इनकम का स्रोत नहीं है, तो लोग माइग्रेट होते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। पैसा नहीं देता, खाली खुराफी देता है। तो पैसा कौन देता है आपका? ठेकेदार देता है घर पे। ठेकेदार घर पे कितना देता है?
जितना मांगेगा जितना देगा। फिर भी जैसे एक महीना काम किया तो उसका एक महीना का सीजन भर के देता है। नौ महीना कितना मिलता है? एक जुटी में 15,000 रुपये मिलता है। अच्छा, तीन आदमी फिर 20,000-22,000 रुपये देता है। और खुराक ही मिल जाता खाने का ना, तो कैसा क्या खाना देता है डेली का? खुराक 8 दिन का पैसा देता है। काम की तलाश में घर से बाहर निकले लाखों मजदूरों में से 70% ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों की हालात दयनीय होती है। पूरे परिवार के साथ बाहर निकले इन लोगों को ना तो स्थानीय योजनाओं का लाभ मिल पाता है और ना ही उस राज्य की योजनाओं का जहां वो जाते हैं। इस प्रकार विस्थापन की वजह से बहुत सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। गरीबी का स्तर ज्यों का त्यों होता है और इस समस्या को जड़ से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल। जो एज पर लेबर लॉज है उसके तहत हम लोग इंश्योर कराते हैं कि उनको जो भी उनका ड्यू है और जो उनका राइट है वो उसको मिले, उनको मिले। तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और कुछ मिनिमम वेजेस के मामले हो सकते हैं तो हम लोग इंश्योर कराते हैं कि मिनिमम वेजेस उनको मिले। और एक वर्किंग इन्वायरमेंट या वर्किंग कंडीशन जो है एक तरह की जो हो सकती है, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो उनको मतलब मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कार्रवाई भी करा रहे हैं। हर मतलब मजदूर का मजदूरी का मतलब आवर फिक्स है, पीस रेट फिक्स है और मतलब पूरा दिन में उसको 8 घंटे काम करना है, ये भी फिक्स है। मम्मी का जॉन्डिस हुआ था, जब से मेरा मम्मी डेथ हुआ तब से हमारा मन खराब लगा। ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसे काम करने से शरीर में थकावट आती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर लगातार काम करने पे, तो इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, फिजिकल एक्सीडेंट। और दूसरा है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, धुआं धूल आदि से प्रोटेक्शन नहीं है, तो इससे फेफड़े पर बुरा असर पड़ता है। फेफड़े पर बुरा असर दो तरह का होगा, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा और एक कहते हैं हम लोग इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, जिसमें लोगों का सांस फूलता है, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये दो बीमारियां होंगी। बच्चों के दिमाग का बुरा असर होता है, फिजिकल क्योंकि मेंटल रेस्ट फिजिकल रेस्ट नहीं हो पाता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उन लोगों को दोनों तनाव पड़ता है। मानसिक डेवलपमेंट भी बच्चों का रुक जाता है और शारीरिक डेवलपमेंट भी उन लोगों का कम होता है। अभी यहाँ करते हैं, हम लोग को सीजन आता है तो वहाँ करते हैं। बच्चा लोग का हम लोग पढ़ाने नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग जोर देते हैं यहीं पर से। शहर के आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे में आप चले जाएं, ईंट भट्ठे भरे पड़े हैं। यहाँ पे काम करने वाली अधिकांश महिलाएं होती हैं और उन महिलाओं का अगर आप देखेंगे ना तो उनको मिनिमम वेज मिलता है और उनके साथ जो बच्चे रहते वो कहाँ जाएं। मैंने कहा कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो कहाँ छोड़ेंगे महिलाएं। कोई भी व्यक्ति जब काम करने जाता है ईंट भट्टे में या कहीं काम करने जाता है तो उसकी मजबूरी होती है। ईंट भट्टे में जो लोग काम कर रही है महिलाएं, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे। उन ईंट भट्टों में महिलाओं का शोषण होता है, जो ठेकेदार रहते हैं वो उनका इवन कि शारीरिक शोषण तक करते हैं। कई घटनाएं घटी हैं। Thank you.
की समस्याएं क्या किसी से छुपी हैं? ईंट भट्ठों में काम करने वाली महिलाएं तरह तरह की यातनाओं का शिकार होती हैं। अक्सर उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। वह काम के बोझ के साथ साथ इन्हें भी सहती जाती हैं। उनकी मानसिकताओं के कारण उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास रखने वाला परिवार दिन ब दिन एक बड़े परिवार का बोझ नहीं संभाल पाता और हालत बद से बदतर हो जाती है। सत्रह साल कई साल से काम कर रहे हैं? पाँच साल हो गया। मतलब 12-13 साल की उम्र से काम कर रहे हो? क्या बनना चाहता है बड़ा होके? पढ़ोगे तब ना बनेगा। वही पूछ रहे, पढ़ के तो कुछ तो बनेगा ना, बताओ। पढ़ेंगे तब ना बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, ये आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। लगभग हर गांव पे एक आंगनवाड़ी सेंटर है। हर किलोमीटर पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खुला हुआ है। तो ये सभी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अगर वहाँ पे, चाहे वो मतलब माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे भी हों, चाहे दूसरे राज्यों से आए बच्चे भी हों, उनको भी आप आंगनवाड़ी सेंटर में एडमिट करा के, उनको भी स्कूल में एडमिट करा के बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये देने की कार्रवाई चल रही है और मतलब दिए भी जा रहे हैं बेनिफिट। कई दशक बीत चुके हैं इनकी जिंदगियों में, कई तब्दीलियां हो चुकी हैं हवाओं और गलियों में, कितने ही रास्तों ने नई मोड़ ले ली और मुड़ गए, कितने ही थे वो लोग जो कहां थे और कहां पहुंच गए। कृष्णा आज भी वहीं खड़ा है, आज भी वहीं पड़ा है, दोगुनी जिंदगी भर की मेहनत करके भी, और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद भी तो नजर नहीं आती। पर आप खुद ही सोचें, सैकड़ों योजनाओं का क्या असर पड़ा है? इतनी बेचारगी इन आंखों में, इतनी धूल इन सांसों में, इतनी तपन इन भट्टियों की, इतनी गांठ तर हट्टियों की, क्या भविष्य को लावारिस और धुंधला बनाने का मादा नहीं रखती? जैसे मेहनत के फल ही किसी ने मजबूत हथौड़ियों से तोड़ तोड़ कर भट्टी की आग के हवाले कर दिए, क्या नए कल का सपना ही डरावना होगा कृष्णा के लिए? पर इधर कृष्णा अपने काम में मस्त ही दिखता है, जैसे अपनी खुशी के पन्ने खुद ही लिखता है। किसी बड़े कवि ने कहा है, आसमान को कभी दुख हुआ है भला अपने कीमती तारों के टूटने का? ठीक वैसे ही कृष्णा मुस्कुराता है, देख नहीं पाता है कहां को जा रहा है उसके बच्चे का भविष्य। अपने नाजुक शरीर पर कुछ और नन्ही जान का बोझ उठाना सुख का नसीब तो दूर, बदन पर कपड़े भी मुश्किल से पाना, मुलायम हाथों पे मिट्टी का बड़ा गोला सजाना, और फिर एक के बाद एक ईंट बनाना, इसी तरह परिवार की हालत को नीचे से ऊपर उठाना।